हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइए इस वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है लेकिन जितना हुआ उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, मेरे असाइनमेंट में लिखा है 10 हाफ साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। इवैल्यूएट 10 हाफ साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, इसको हमें इवेल्युएट करना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम दो बार आप लगा लीजिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते, वही सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लेट हाफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। अब ये आपका थीटा हो गया, करेक्ट है, यानी अब आपको 10 थीटा की वैल्यू बतानी है। इस पूरे को आपने थीटा बोल दिया ना, यानी अब आपका क्वेश्चन हो गया कि आपको 10 थीटा की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट है, आपने इसको थीटा बोल दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसके बाद सीधे लिख देते हैं 3/5। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे नाराज हो रहे होंगे, नहीं सर हम ऐसा नहीं करते। ठीक बात है ना, आप नहीं करते तो कुछ तो करते होंगे, ठीक है, कोई भी नहीं करता है, मान लीजिए हम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 2 थीटा हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जो 2 थीटा है वो -90 से +90 है। ये जो बच्चा नहीं लिखता वो परेशान होता है। हम हमेशा आपसे कहते हैं जब जब आप ITF पढ़ें ये बात आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर एक्चुअली में निकालना है 10 थीटा और आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला 10 में होता है, तो 2 थीटा अपॉन 1 + 10² थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 3 10² थीटा 10 tan थीटा। इधर भी आइए आप तो 3 10² थीटा -10 tan थीटा +3। अब ये फैक्टर हो गया क्लास 10th लेवल का, जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 3 = 9, 3 10² थीटा -9 tan थीटा -10 थीटा +3 = 0। यहाँ पर 3 10 थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 10 थीटा -3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे 10 थीटा -3। अब यहाँ पर 10 थीटा -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप 10 थीटा -3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3 10 थीटा -1 = 0। अब इधर ये 0 और ये 0, तो जब आप 10 थीटा -3 0 करेंगे तो यहाँ से 10 थीटा 3 आएगा, और जब यहाँ पर करेंगे आप 3 10 थीटा -1 = 0 3 10 थीटा = 1, तो यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू आएगी 1/3।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर असमंजस की स्थिति में होते हैं कि यार आंसर क्या लिखे, टेन थीटा थ्री लिखें कि वन बाई थ्री कि दोनों लिखें। यहीं पर यही तो आईटीएफ का खेल है। और जबकि आप बता दें टेन थीटा की तो वैल्यू आप जानते ही हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो थ्री भी पॉसिबल है, वन बाई थ्री पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबल है ज़रा देखते हैं। यहाँ पर थीटा क्या है, टू का डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 45 से प्लस 45 टेकिंग 10। तो देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है इसका, जब आप 10 लेंगे बोथ साइड तो 10 माइनस 45 माइनस 1 10 45 1, यहाँ पर 10 थीटा, मतलब 10 थीटा की वैल्यू माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक है। इसका मतलब ये आंसर आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर आया 10 थीटा की वैल्यू 1 बाई 3। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है इसका। तो आइए इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए, और देखें आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है मेरे पास, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 10 हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3, 10 हाफ कॉस इनवर्स रूट 5/3, इसका आपको सोल्यूशन देना है। और एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं होमवर्क में, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5। स्टूडेंट्स इसका आंसर तो जो मेरे ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप ऑफलाइन जो हमसे कनेक्टेड हैं वो हमें दे सकते हैं। इसका आंसर एक्चुअल में थोड़ा रूट रूट में आएगा तो आप टाइप करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप दे सकें तो दोनों का ही आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर देखें। आखिरी में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पर बेस्ड पूरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल तो सेम नहीं करें, थोड़ा सा फॉर्मूले का है खेल लेकिन मेथड सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे बिना किसी की सहायता से, और प्रयास करिएगा दोस्त, ज़रूर आपको समझ में आएगा। एक बात और है कि अगर आप कहीं इसका सोल्यूशन भी देखते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ में आया तो आपको सोल्यूशन ज़रूर समझ में आएगा, नहीं तो सोल्यूशन तो देखा जाए आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, आधुनिक युग में एकेडमिक लेवल जितने भी अच्छे राइटर्स की बुक हैं सबके कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। तो सोल्यूशन मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन का समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप हमारे से आप जुड़े रहिए, आपको सोल्यूशन मिलते रहें, भले आपको सोल्यूशन कम मिले लेकिन जितने मिलेंगे सॉलिड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप कहीं सोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे, थैंक यू।